बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आज का दिन शुरू करते हैं इस नई वीडियो के साथ। सुबह सुबह काम पे आना हुआ है, अभी 6:30 बजे हैं, लेकिन धूप ऐसे निकली हुई है जैसे कि आधा दिन गुजर चुका है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी धूप है। इस तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो सूरज मेरे पीछे है, फिर मैं नज़र आपको नहीं आऊँगा। तो काफ़ी तेज़ धूप है अभी। सुबह तकरीबन 5:30 बजे काम स्टार्ट किया है। तो आज का दिन जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, तकरीबन 1:30 बजे आज छुट्टी कर जाऊंगा। कल भी छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन हमेशा ही बारिश हो जाती है, और जब काम पे आना होता है तो उस दिन मौसम काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन चलें, यह भी ज़िंदगी है, अल्लाह जी साल में रखे, हमें खुश रहना चाहिए। कंप्लेन तो हम करते ही रहते हैं, गर्मी है तब भी हम खुश नहीं हैं, सर्दी है तब भी हम खुश नहीं हैं। जैसे कि हमारे बहन भाई पाकिस्तान में जो आप जो देख रहे हैं इस वक्त, आपकी कंप्लेन होगी कि आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो जाती तो आपका भी मौसम कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बारिश ही होती रहती हैं। तो जैसे कि पिछले दिनों से जो मैं वीडियो बना रहा था उनमें ज़्यादा बारिश ही है, आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है। तो धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन आसमान भी क्लियर है, लेकिन पता कुछ नहीं चलता यहाँ पे कि कब बारिश होगी और कब धूप निकल आएगी। तो इस दुआ के साथ ही दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। तो कल शाम को आपको मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी तो सेल हो गई है, आज या वो कल लेके चले जाएंगे। तो अब ख़ुद भी कोई कुछ ना कुछ देखना है अपने लिए। एक छोटी सी गाड़ी है दोस्त के पास, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप वो चला लें, इंश्योरेंस करा लें उसकी, उसको चलाएं जब तक आपको अपनी गाड़ी मिलती है। तो देखते हैं कि आज उसको इंश्योरेंस करा के उसको रोड पे ले आएंगे। अगर आज मेरी गाड़ी चलेगी तो ज़ाहिर है मुझे भी गाड़ी चाहिए काम के लिए। सुबह सुबह कई बार काम पर आना पड़ता है, दिन को अगर दिन की शिफ्ट हो तो फिर वो आप बस कैच करके आ सकते हैं, लेकिन सुबह 3 बजे या 4 बजे आपको बस नहीं मिलती, स्टाफ बस मिलती है, लेकिन फिर उसके लिए आपको आधा घंटा पौना घंटा जल्दी काम पे आना पड़ता है, क्योंकि वो बुकिंग ऐसे करते हैं। तो बेहतर है कि गाड़ी हो छोटी सी जो आपके काम आपको काम पे ले आए और ले जाए। तो वो दोस्त ने हेल्प किया, तो हो सकता है कि आज वो गाड़ी शाम को मेरे पास आ जाए, जब तक मुझे अपनी कोई गाड़ी पसंद की मिलती है। तो आज के दिन का आगाज़ हो गया है अल्लाह के नाम से। तो देखते हैं कि आज के दिन हमें क्या। काम ख़त्म करने के बाद गाड़ी तो मैंने सेल कर दी थी, लेकिन गाड़ी काफ़ी गंदी थी, काफ़ी बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनको गाड़ी वॉश करा के दे दूँ। तो काम ख़त्म करने के बाद ये मेरा जो है ना वॉश बिल्कुल करीब ही था, तो वहाँ से निकल के सीधा इधर आ गया कि गाड़ी वॉश करा लूँ। ये प्राइस लिस्ट है इनकी, वैलेट भी करते हैं, वेल्टिंग सर्विस भी है इनके पास, ईमो हैलिफैक्स में, शे फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल करीब है, हमारे बेस्ट बस डिपो का बिल्कुल नज़दीक। तो ये प्राइसें भी देख लें, ये गाड़ी मेरे से आ गया, ये धो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे धोते हैं, क्विकली वॉश आउट साइड करते हैं, फिर वो सॉफ्ट वॉश है, ब्रशेज लगे होते हैं और तो उसमें से गुजरती है गाड़ी और धुल जाती है। तो इस गाड़ी के बाद मेरा नंबर है, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी जाऊंगा, आगे वाली गाड़ी जा रही है अंदर, इसके बाद मेरी टर्न है, अब वो मेरे पास आएंगे। तो तो
अभी मेरी गाड़ी को वो धो रहे हैं, पहले तो उन्होंने स्प्रे किया टायर को साफ करने के लिए, फिर अब पानी लगा रहे हैं। अभी थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी गाड़ी, तो एक बार फिर वो व्हील को साफ करेंगे पानी के साथ, और उसके बाद सीधे अंदर। तो ये अभी ब्रश के साथ सर्फ लगाया उन्होंने पीछे गए हुए हैं साइड पे, तो अभी चलते हैं। तो अभी गाड़ी बिल्कुल ऐसे छोड़ दी है, तो वो खुद ही रोल इन करेगी इनसाइड, हमें कुछ नहीं करना। ये ब्रश लगे हुए हैं, शायद आप नज़र नहीं आएंगे क्योंकि आगे सर्फ है, वो आगे पानी जब गिर रहा है, पानी गिरेगा तो फिर उसके बाद नज़र आएगा कुछ। ये पानी डालने के बाद, सर्फ वगैरह डालने के बाद, अभी ब्रश जो जा रहा है ऊपर, ये रोलर है, इसी तरह ये साइड पे नीचे भी लगे हुए हैं। ये छत के ऊपर से होता हुआ पीछे जाएगा, पीछे से भी साफ करेगा। उसी के साथ ये साइड वाले जो ब्रश है, ये गाड़ी को पूरे तो ये डोर्स हैं, ये फिन्स हैं, उसको साफ करते हैं। चला गया, शायद आपको नज़र आया कि पीछे से ब्रश कर रहा है, जो आगे से गया है ऊपर से रोल करता हुआ पीछे जा रहा है। इसी तरह ये एक और है ऊपर, जो सिर्फ छत के लिए है, फिर आगे से पानी स्प्रे करते हैं, और उसके बाद ये अभी दूसरा स्प्रे कर रहे हैं। इससे आगे जब निकलेंगे तो फिर वो हवा, उसके पंखों की हवा से जो है ना, इसको क्लियर करेंगे, ड्राई करेंगे गाड़ी को। और ये तकरीबन दो तीन मिनट में सब की सब गाड़ी धुल जाती है। चीप भी है, इजी भी है, जल्दी भी हो जाता है, यहाँ पे इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हाथ वाली जो वॉश है वो तो बेहतरीन है, उसका मुकाबला तो नहीं है, लेकिन उस पर टाइम बहुत लग जाता है, क्यू बहुत होता है। मैं इसी में आ जाता हूँ अगर जल्दी में हूँ। अभी ये स्प्रे कर रहे हैं, ये विंडो पे भी स्प्रे कर रहे हैं पानी का। तो ये इसमें वैक्स भी होती है ऐसे के वो गाड़ी को चमक देती है, पानी ठहरने नहीं देती। और देख सकते होंगे कि पानी किस तरह बह रहा है स्क्रीन से। तो अभी आगे पंखा चलेगा वो वाला, तो इसको ट्राई करेगा। गाड़ी तकरीबन धो चुकी है, अभी बस पीछे से वो ड्राई कर रहा है, तो इसके बाद यहाँ से ड्राइव करेंगे। और आज के दिन के लिए इतना ही, कल एक नए वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।